कैमरा स्टार्ट करके बैठ जाना है। अपन कैमरा वाला भाई फोटो नहीं खींचे छिए त ये मरा के खड़ा हो जखन फोटो खिचबै तखन त यहां खार भ जा। हनुमान जी महाराज किस बात को सुन करके मान गई कब जब करुणा निधान का नाम सुने, क्योंकि हर पत्नी को अपना अपना नाम होता है पति को बुलाने के लिए। ए जी ओ जी फलाने के पापा चिराने के पापा मालिक को सर कुछ भी कह के बुलाती है, नाम रख लेती है। लेकिन नया में कह के सुनई छा नहीं नहीं वो पहले का जमाना में कहे छले। अच्छा सुनते हैं अब नए का जमाना में सुनते हो है ना। जी संस्कार खत्म जकर भ गेले। हां वोहे आओ मगर मैया जानकी कही छलखिन कि हे करुणा निधान हे करुणा निधान हे करुणा निधान। मैया मान गई, एक ही सांस में पूछने लगी बताओ मेरे देवर लक्ष्मण कैसे हैं, मेरे भगवान अच्छे हैं ना, कुशल मंगल है ना, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। एक ही सांस में अब पूछिएगा कि मैया जानकी इतना काहे बोल रही थी भाई। तब सोच के देखिए कि आपके पति अगर घर छोड़ करके दो चार दिन के लिए चले गए अब फोनवा नहीं किए तो आपको टेंशन बन जाता है। चौक पे गए मोबाइल बंद हो गया बाद कने धीरे धीरे चौकबा पे चले गए आपका फोन अगर बंद हो गया या किसी कुटुंब के आ गए फोन बंद हो गया अगर फोन दूसरे के मोबाइल से नहीं किए काजी मोबाइल काहे बंद था इतना देर बंद काहे था जी। किसी के मोबाइल से फोन करते चार्ज क्यों नहीं किए, आप फोन बंद क्यों रखे हुए थे, क्या बात थी। क्लास जारी हो जाती है परंतु उस समय ना फोन थी है ना। इतने दिनों के बाद हनुमान जी महाराज मैया जानकी के लिए उनके पति का समाध लेकर के आई थी। अब बताइए इतना दिन के बाद अगर पति का समाध मिले तो पत्नी कितना खुश हो जाएगी है ना। आइए भजन के माध्यम से मैं बताऊं, मैया जानकी बड़े खुश होकर के हनुमान जी महाराज से कहती है क्या स्वामी के कैला जवन कामा छतिया ऊंचा जुग जिया हाँ छतिया ऊंचा कैला जुग जुग थपड़ी बजे कावन Thank you.
पकड़ी ला तोड़े सन पड़ी।